में मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कैनेडा में हैंडगन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रूडो का कहना है कि जिम्मेदार कयादत हमसे काम करने का तकाजा करती है। हाल ही में आतिशी असले से मुतालिक हौलनाक कार्रवाइयां देखी हैं। कनाडा में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद का ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन का कहना था कि ईरान में इनकलाब आ रहा है। टोरंटो में एयरपोर्ट पर मशकूक बैग की इत्तला, हुक्काम की दौड़े लग गईं। पुलिस ने तहकीकात के बाद एयरपोर्ट को खोल दिया। मुतादित फ्लाइट्स को मनसूख या मौतल करना पड़ा। यूक्रेन रूस के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करना चाहता है। रूसी वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। रूस का जंगी तैयारा साइबेरिया में गिरकर तबाह हो गया। जापान का अफगानिस्तान में सिफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला। जापानी वजीर खारजा के मुताबिक काबुल में जापानी सिफारतखाने की महदूद सरगर्मियां शुरू। काबुल में मुकम्मल सिफारती मौजूदगी के बाद दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब। शी जिनपिंग मजीद 5 साल तक चीन के हुक्मरान रहेंगे। प्यूटिन और किम जोंग की चीनी सदर को मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हैंडगन्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में हैंडगन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हैंडगन्स की खरीदो फरोख्त और मुंतकली पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। गन कंट्रोल के इकदाम पर कनाडा के कानून साजों के दरमियान जारी इख्तलाफात में हैंड गन की पाबंदी ताज़ा तरीन है। पार्लियामेंट में कानून साज अब भी एक बिल की मंजूरी पर बहस कर रहे हैं जो मई में मुतारिफ कराया गया था, जो कई दहाइयों में गन कंट्रोल कानून साजी के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक होगा। नई हैंडगन को मुंजमित करना एक फौरी कार्रवाई है। ट्रूडो इंतजामिया ने कहा कि ये फैसला बिल के बारे में बातचीत जारी रहने के बाद ले रही है। ट्रूडो का नए इकदाम के हवाले से कहना था कि जब लोग मारे जा रहे हैं, जब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, जिम्मेदार कयादत हमसे काम करने का तकाजा करती है। हाल ही में एक बार फिर हमने आतिशी असलहे से मुतालिक हवलनाक सानहात की बहुत सी मिसालें देखी हैं। वजीर आजम ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक कनाडा में पिछले 40 सालों के दौरान में गन कंट्रोल के हवाले से किए जाने वाले ये सख्त तरीन इकदाम हैं। अब कनाडा में शहरी हैंडगन्स की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे और नई खरीदी गई बंदूक और पिस्तौलें भी मुल्क में नहीं ला सकेंगे। वजीर आजम ऑफिस का कहना है कि जुमे से कबल मौसूल होने वाली हैंडगन दरख्वास्तों पर अमल दरामद किया जाएगा। वाज़ेह है कि कनाडा में असलहा रखने के कवानीन अमरीका से ज्यादा सख्त हैं। कनाडा की एक रियासत अल्बर्टा में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के गन कंट्रोल कानून की मुखालफत की जा रही है। अल्बर्टा के वजीर इंसाफ टायलर शेंड्रू का कहना था कि वफाकी हुकूमत असलहा रखने वाले शहरियों को सजा देकर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। मरकजी हुकूमत के हामी मुल्क में मुकम्मल तौर पर असलहे की कानूनी मिल्कियत खत्म करवाना चाहते हैं। इस वीकेंड पर कनाडा में मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने सड़कों पर निकलकर ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है, जैसा कि ईरान में बगावतें जारी हैं। मुल्क भर में कैनेडियन शहरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अपनी जानों को खतरे में डालने वाले हजारों ईरानी अफराद से यकजहती का इजहार करते हुए कनाडा भर में मुजाहरों को मुनज़्ज़म और मार्च करके हिमायत का मुजाहरा कर रहे हैं। वीकेंड पर टोरंटो, विनीपेग,
हैलीफैक्स, मॉन्ट्रियल और कनाडा भर की दीगर कम्युनिटीज़ में मकामी इंसानी हकूक के ग्रुपों और ईरानी कैनेडियन तंजीमों के ज़ेर अहतमाम एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इंसानी हकूक के लिए एहतजाज करने वाले ईरानी आवाम के लिए हज़ारों कैनेडियन ने मार्च किया। कैनेडियन ईरानी शहरियों का कहना है कि हम हालात से वाकिफ़ हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस बार ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये इनकलाब की शुरुआत है। मुजाहरीन का कहना था कि हम हिम्मत और बहादुरी की इंतहाई तस्वीरें देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नौजवान लड़कियों की जो मुल्क के अंदर एहतजाज करते हुए अपनी जानें ख़तरे में डाल रही हैं। लेकिन ये तशद्दुद यकीनी तौर पर लोगों को खौफज़दा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मौजूद कुछ मुजाहिरीन को बुनियादी तौर पर कम करने का असर रखता है। कनाडा की हुकूमत ने ईरान में होने वाले मुजाहिरों का जवाब देते हुए हुकूमत के आला अरकान के मुल्क में आने पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगा दी, ईरान के साथ माली लेन देन पर पाबंदी लगा दी और पाबंदियों के इकदाम नाफिज कर दिए। टोरंटो आइलैंड के एयरपोर्ट को मशकूक पैकेज की तहकीकात के बाद दोबारा खोल दिया गया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में एयरपोर्ट पर मशकूक बैग की इत्तला के बाद हुक्काम की दौड़ें लग गईं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि आइलैंड एयरपोर्ट के फेरी टर्मिनल पर हफ्ते की दोपहर को एक साइकिल से मुंसलिक एक मशकूक पैकेज मिलने के बाद उन्हें यकीन है कि आवामी तहफ्फुज़ को मज़ीद ख़तरा नहीं है। इतवार को जारी करदा एक फॉलो अप न्यूज़ रिलीज़ में पुलिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हफ्ते की शाम जो कुछ हुआ वो एक अलग थलग वाकया है और आवाम के सब्र के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पुलिस का कहना था कि मुमकिन तौर पर धमाका खेज डिवाइस से मुतालिक तहकीकात में वक्त लगता है क्योंकि आवाम की हिफाजत और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए बाखबर फैसले किए जाने चाहिए। हफ्ते की शाम टोरंटो पुलिस को बिली बिशप हवाई अड्डे पर एक मशकूक पैकेज की कॉल इत्तला मौसूल हुई, ये जिसमें एमरजेंसी डिस्पोजल यूनिट को बुलाया गया। इनखला की वजह से बिले बिशप की तमाम कार्रवाइयां मुअत्तल हो गईं, तमाम रवानगी और पहुंचने वाली परवाजों को या तो मनसूख कर दिया गया या मोड़ दिया गया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान हवाई अड्डे और उसके आसपास की कई सड़कें भी बंद कर दी गईं। हवाई अड्डे को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया, तमाम परवाजें और ऑपरेशन अब दोबारा शुरू हो गए हैं। मुसाफरों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपनी एयरलाइन से राबता करें क्योंकि कुछ परवाजें बंद होने से मुतासर हो सकती हैं। पुलिस ने बताया कि दो अफराद को हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, कोई चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। मुश्तबा पैकेज के मवाद के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। रूसी वजीर दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ एटम बम इस्तेमाल करना चाहता है, ताहम यूक्रेन ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी वजीर दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के ख़िलाफ़ एटम बम इस्तेमाल करना चाहता है, ताहम यूक्रेन ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। रूसी वजीर दिफा ने अमरीकी वजीर दिफा से टेलीफोन पर रابطہ किया। मास्को से खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर दिफा सरगई शोइगो ने अमरीकी हमनसब जनरल रिटायर्ड लाइट ऑस्टन से बातचीत की। रूसी वजारत दिफा का मजीद कहना था कि रूसी वजीर दिफा का अमरीकी वजीर दिफा से तीन रोज में ये दूसरा राबता है। रूसी वजीर दिफा ने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और तुर्किया के वजराय दिफा से टेलीफोनिक राबता किया जिसमें कहा कि सूरत हाल तेजी से बेकाबू कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, जिस पर बरतानवी वजीर दिफा ने रूस को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसल ने भी रूसी वजीर दिफा के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए एक बयान जारी किया है कि यूक्रेन अपनी सरजमीन पर जौहरी बम इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं कर रहा। दूसरी जानब यूक्रेनी सदर ने रूस पर इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि अगर कोई जहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो रूस खुद है और वो ऐसा बरतानिया के लिए कर सकता है। दूसरी जानब रूस यूक्रेन जंग में रूस का जानी और माली नुकसान 14,000 फौजियों, 86 तैयारों, 108 हेलीकॉप्टरों और 444 टैंकों तक पहुंच गया है। यूक्रेन जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर ने 24 फरवरी से 17 मार्च तक रूसी फौज के नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। दूसरी जानब रूस का जंगी तैयारा साइबेरिया में गिरकर तबाह हो गया, तैयारे के दोनों पायलट्स हादसे में हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज का जंगी तैयारा साइबेरिया के शहर अर्कस्टिक में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा दो मंजिला इमारत पर गिरकर तबाह हुआ जिसके नतीजे में दोनों पायलट्स हलाक हो गए। रूसी हुक्काम का कहना है कि तैयारा गिरने से जमीन पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तबाह होने वाला तैयारा सखोई SU-30 जंगी तैयारा था जो आजमाइशी परवास पर था। रूस का 6 रोज के दौरान तबाह होने वाला यह दूसरा जंगी तैयारा है। इससे कबल एक जंगी तैयारा यूक्रेन के करीब एक शहर के अपार्टमेंट बिल्डिंग पर गिरकर तबाह हुआ था जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए थे।
जापान ने एक साल के बाद अफगानिस्तान में सिफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। जापान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जापान ने एक साल बाद अफगानिस्तान में सिफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। जापान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया था। टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापानी वजीर खारजा योशिमासा हयाशी का कहना था कि काबुल में जापानी सिफारतखाना सिर्फ ज़रूरी उमूर अंजाम दे रहा है। जापानी वजीर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ महदूद सिफारती ताल्लुकात कायम करते हुए काबुल में जापानी सिफारतखाने ने महदूद सरगर्मियाँ शुरू की हैं। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मजीद तफसीलात नहीं बताई जा सकी। काबुल में मुकम्मल सिफारती मौजूदगी के बाद दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए। सदर शी जिनपिंग मजीद 5 साल तक चीन के हुक्मरान रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए। सदर शी जिनपिंग मजीद 5 साल तक चीन के हुक्मरान रहेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के मजीद 5 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने और तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर का अहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने तकरारी के बाद बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्टी और आवाम के लिए फराइज की अंजामदही के लिए तनदही से काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट हॉल में चीनी सदर शी जिनपिंग ने नई टीम के हमरा शिरकत की। नई टीम में ली क्यांग, जाओ लीजी, वांग हॉनिंग, काई की, डिंग जोई जियांग और ली जी नई टीम का हिस्सा हैं। वाज़ह रहे कि चीन में 2 बार से ज़ायद सदारत के अहदे पर पाबंदी थी। गुज़िश्ता रोज़ नई तरमीम के बाद शी जिनपिंग के तीसरी बार सदर मुंतखब होने की राह हमवार हो गई थी। दूसरी जानिब समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को तीसरी बार सदर मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि सदर शी जिनपिंग को तीसरी बार CPC का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। चीन के आवाम की खिदमत के लिए उनकी दानिशमंदाना जिम्मेदारी और गैर मुतजलजल लगन को खराज तहसीन पेश करता हूं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.